सभी किसान भाइयों का वीडियो में स्वागत है। और हम आज ग्राम खतौली गुज्जर जिला सहनपुर में हैं। भैया आपको मकान दिख रहे होंगे, ये मकान पांच भाइयों के हैं, गांव से बाहर एक ही सड़क पर। पहले इनके मकान जो पुराने मकान थे वे गांव में अंदर थे। अब पांचों भाइयों ने बाहर मकान बनाए हैं, एक जगह मकान बनाए हैं अपने खेत में। आपको दिखा रहे हैं पाँचों के पाँचों भाई आज भी एक साथ एक इकट्ठा प्रेम से रहते हैं। और भाई इनके सभी बच्चे भी आपस में प्रेम से रहते हैं। और हम इनके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं। और अब हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे है, कब आए थे गांव में। राम राम भाई जी। राम राम जी मोहित भाई, कैसे हो? क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर लेकर आ रहे? बस सिरसों की बुआई चल रही थी थोड़ी। अच्छा, क्या 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 चीज बो रहे हैं? बस सिरसों ही करेंगे जी, फिलहाल तो गन्ने की इच्छा थी बोने की। असद जी नहीं बोते? असद जी बोया 2-3 साल अब तो नहीं बो रहे। क्यों? बस उसमें लागत ज्यादा हुआ, फिर गिर जा बाद में। अच्छा, पैदावार कम हुआ थोड़ा सा, इसी वजह से सिरसों कर रहे हैं इस टाइम, सिरसों और बरसीम। अच्छा अच्छा, बदल दिया मतलब पहले जो गन्ने में सिरसों कर देते अब उसकी जगह खाली निकाले सिरसों करने लगे। हाँ, कम कर रखे करे हैं लोग, हमने तो नहीं करते, हमने तो थोड़ा सा देखा उसका। तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिला? मतलब रिजल्ट तो ठीक है, लागत बढ़ जाओ, लागत बढ़ बंधाइयाँ कहीं बढ़ जाओ। हाँ नहीं सही, गन्ने की पैदावार भी तो बढ़ जाए, गन्ने की पैदावार बढ़ जाए, लेबर की समस्या आ गई थोड़ी सी। हाँ लेबर की भी समस्या है, तो इस वजह से फिर जितना करें फरवरी का ही कर दें। ठीक, आ जाओ फिर जी। बताओ भाई, आपका हमने नाम सुना है गांव का, पहले तो अपने गांव का नाम परिचय दें छोटा सा एक अपना। हमारे गांव का नाम खतौली गुज्जर है जी। और ये गांव लगभग आज से 350-450 साल पहले पुराना है लगभग। हाँ, तब इसकी नींव पड़ी थी, मतलब बुनियाद रखी गई थी। हाँ। हमारे जो बाबा जी थे उस टाइम पे उनका नाम था चौधरी खुशन सिंह। अच्छा, जो अकेले जो पहले आए थे सबसे शुरू में गांव में, जो सबसे शुरू में गांव में आए थे उस टाइम पे। अच्छा, और उन्होंने यहाँ से आके जो रकबा जो है सारा खरीदा था अपना। अच्छा, किसी की गुलामी में नहीं रहे वो लोग। हाँ, और अपने रकबे में खरीद के उन्होंने खेती करनी शुरू करी। उस टाइम पे पशुपालन और खेती का ही व्यवसाय था। हाँ, फिर उनके 3 लड़के हुए। अच्छा, उन्हीं 3 लड़कों का आज पूरा गांव है, एक ही गोत्र है इस गांव में हमारे में। अच्छा, जंगल गोत्र है। अच्छा, जंगल, ये पूरा गांव एक ही गोत्र का। हाँ, हाँ इसमें बाहर से आके कोई नहीं रहा। अच्छा, ना कोई दूसरा गोत्र यहाँ चला। अच्छा, दूसरी जाति कोई दूसरे गांव में? खेतियों मतलब जो जमींदारी तो सारी गुजरों पर ही है। हाँ, और बाकी सारी बिरादरी है यहाँ से, हरिजन भी है। अच्छा, और आपके एक घर ब्राह्मणों का है। अच्छा, दो घर बाड़ियों के दीमानों के हैं। अच्छा, एक घर जमादारों का। अच्छा, लगभग 70 घर झीमर। अच्छा, और 70-80 घर यहाँ पर जुलाए हैं। जुलाए हैं, टोटल वोट जो हो रही है आज के टाइम में 1200+ है। अच्छा, इस गांव की जी एक ही बाबा से गांव है जी, जी। लगभग ये जो गुजरों का जो वंश चल रहा। हाँ, वो सिर्फ एक ही परिवार का है। अच्छा जी, तो आपके मकान जो है आपने बनाए हैं ये पहले से यहीं थे, उन्होंने दोबारा तोड़ कर बनाया या कहीं और अंदर? हमारा जो परिवार है गांव में। हाँ, चौधरी रूप राम सिंह के वंशज कहे जहाँ जी हम जी, उनका ही परिवार है यहाँ पे। उनके हमारे पड़बाबा जी का नाम चौधरी रूप राम, चौधरी छोटा सिंह जी, और चौधरी छोटा सिंह के 4 लड़के थे हमारे बाबा जी और। हाँ, तो चारों ने यहाँ मकान बना लिया था। अच्छा, और यो बल्कि एक मकान हमारा मंदिर के सामने है। अच्छा, हमारे जत्थे जी का। अच्छा, तो इस हिसाब से गांव में बाहर में अंदर थोड़ी सी हवेली टाइप थी पुरानी जी जी, उसमें जगह की कमी लगी थी। अच्छा, हाँ परिवार बढ़ा तो जगह कम पड़ी। हाँ हाँ हाँ, और बस यहाँ पे अपने ही चखे जा रहा वहाँ तक। अच्छा, इसने बढ़ा लिया था। तो लगभग जब गांव में आए थे बाबा जी के पास लगभग कितनी जमीन होगी? 4000 बीघे जमीन बाबा जी के पास थी। हाँ, मतलब जब से वो परिवार में फट कर जी जी, वो फटती जा रही है, मतलब जब से परिवार बढ़ता जा रहा है तो जमीन तो भाई साफ सी बात बढ़ेगी नहीं जी जी। वो तो नहीं, आजकल अब फिलहाल के मामले में उस टाइम पर 4000 बीघे का रकबा था, आज गांव का रकबा जो है 5000+ हो रहा है। दूसरे गांवों में गांव ने जमीन खरीद दी है। अच्छा, रोडे में। हाँ, और जी आपका गढ़कुल्ली में जमीन खरीद दी है गांव। हाँ, मतलब और कुशाणी में भी रकबा है हमारा। अच्छा अच्छा, कुशाणी गांव में भी हमारा। मतलब जमीन ने बढ़ाई है गांव ने। जी, गांव ने बढ़ाई है पूरे जमीन। गांव ने बढ़ाई है जमीन, गांव ने जमीन बढ़ाई है। मेहनती लोग हैं और अब तो लड़के बहुत नौकरी पर भी चले गए, काफी बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। गांव में नशा पत्ता या कुछ ऐसा
देखो इक्का दुक्का तो हो ही करें, लेकिन 90% 95% गाँव नशे से व्यसन से बचा हुआ है, और सभी लोग चाहे खेती कर रहे हैं वो भी उच्च क्वालिटी की है, बिजनेस कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है, और टेक्निकल खेती कर रहे हैं। गांव का जो लिकार्ड है गन्ने का, वो हमारे गाँव गलेडी मिल क्षेत्र है जो, इसमें सबसे बेहतर गन्ने का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो हमारे गाँव का सबसे ऊपर है फिलहाल गन्ने में जी। गन्ने की खेती गाँव बढ़िया करता है। आप पीछे देखो भाई गन्ना, आप देखा ये भी आपका ही? हाँ, ये परिवार वालों का ही। ये देखो भाई गन्ना जबरदस्त खड़ा है हमारे, वो खड़ा वहाँ से। हम आजकल मिश्रित खेती पे चल रहे पॉपुलर, और गन्ने पर थोड़ा सा गन्ने की भुगतान नहीं आ रहा, इस वजह से थोड़ा सा निराश है आदमी। मेहनत करे, लेबर बढ़ती जा रही, पैसे बढ़ नहीं पा रहे उस हिसाब से। 350 का रेट है 2-3 साल से, और पॉपुलर में अब अच्छा मुनाफा हुआ है तो नर्सरिया लगा रहे हम तो। पॉपुलर की तरफ किसान बढ़ रहा है अब, बिल्कुल बढ़ेगा जी। मिल देखो की वजह से हाँ, 1500 रुपये क्विंटल का रेट है तो बढ़ेगा ही, और ऑप्शन देखने भी चाहिए, एक फसल के ऊपर आधारित भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना भी है भाई। हम इनके तीनों बाबा जी की छतरी दिखाते हैं, जो सबसे पहले आए थे, इनके जो तीन लड़के थे उनकी छतरी आए, पहले वाले की ये है और इससे दूसरे वाले की भाई ये छतरी है। ये काफ़ी पुरानी छतरी है, लगभग 300 साल के आसपास की छतरियाँ हैं, और देखें आप कितनी पुरानी छतरी है। और अब हम तीसरे बाबा जी की छतरी दिखाते हैं इनके, ये है। ये थोड़ी अंदर गन्ने में है, हम वहाँ नहीं जा सकते, पर आपको दिखा रहे हैं हम। देखो ये भी सेम इसी टाइप की है जैसे आपने पहली दो देखी, तो काफ़ी पुरानी छतरियाँ हैं और आज भी है ज्यों की त्यों हैं, जैसे पहले थी आज भी ज्यों की त्यों वैसे ही है।